अगर प्रदूषण कम कर सकते हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, दिन रात केजरीवाल जी को गालियां दीजिए। आप केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहे, ऑड इवेंट के विरोध में माननीय सदस्य निकल जाते हैं। ये सांसद है मान्यवर जो ऑड इवेंट का विरोध कर रहे हैं। हम दिल्ली में पटाखे नहीं दगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, आप पटाखे दगाते हैं, दिल्ली वालों को प्रदूषण में डालने का काम करते हैं। शर्म आती है मान्यवर। मंत्री जी ने आज जो रिपोर्ट रखी और जो रिपोर्ट माननीय सदस्यों को दी गई है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के सामने उन्होंने सच रखा। और सच ये रखा है, माननीय मंत्री जी ने खुद से स्वीकार किया है कि दिल्ली में प्रदूषण के दिनों की संख्या में कमी आई है, अच्छे और मॉडरेट दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है। और माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सदन में रखी है वही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रखी है, विजय जी आप वही रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने आप बिना सुप्रीम कोर्ट रखी है मान्यवर। और इसलिए अब यह साफ हो गया कि दिल्ली सरकार के प्रयासों की बदौलत दिल्ली के अंदर 25% प्रदूषण कम हुआ। और हमने प्रयास क्या किया मान्यवर, दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए गए, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली की सप्लाई देकर जनरेटर का उपयोग कम किया गया, दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर 12% बढ़ाया गया, दिल्ली के अंदर हमारे प्रयासों से ऑड इवेंट सफलता पूर्वक चलाया गया, दिल्ली के अंदर आज दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के सरकार के प्रयासों की बदौलत 2 थर्मल पावर प्लांट यहां पर बंद कराए गए, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रोक लगाकर दिल्ली में प्रदूषण कम करने का पूरा प्रयास केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा किया गया मान्यवर। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा 56,000 मशीनें पराली काटने के लिए अलग अलग राज्यों को दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माननीय मंत्री जी जो डेटा प्रस्तुत किया गया है वो डेटा कुछ अलग कहता है। इस पे आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, कृपया आप बताएं कि आप ये कह रहे हैं 9,000 टोटल 20,000 मशीनें पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दी गई, आज आप रिपोर्ट में कह रहे हैं 56,000 मशीनें दी गई, तो मान्यवर 36,000 मशीनें कहा गई, पराली काटने की किसानों की मशीनें कहां चली गई मान्यवर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को गालियां देके अगर प्रदूषण कम कर सकते हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, दिन रात केजरीवाल जी को गालियां दीजिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने दूसरे सदन में केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मजाक उड़ाया। मैं प्रार्थना करता हूं भाजपा के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ईश्वर इनको लंबी उम्र दे। आप केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहे, ऑड इवेंट के विरोध में माननीय सदस्य निकल जाते हैं। ये सांसद है मान्यवर जो ऑड इवेंट का विरोध कर रहे हैं। हम दिल्ली में पटाखे नहीं दगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, आप पटाखे दगाते हैं, दिल्ली वालों को प्रदूषण में डालने का काम करते हैं। शर्म आती है मान्यवर, इस मानसिकता से अगर आप प्रदूषण से लड़ेंगे तो दिल्ली के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, दिल्ली के बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की गई मान्यवर, बस उतना कहकर अपनी बात को खत्म करूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स मान्यवर, आज बाकी शहरों की बात मैं कर रहा हूं, गाजियाबाद में 353, ग्रेटर नोएडा में 338, कानपुर में 335, पानीपत में 331, मेरठ में 330, बागपत में 328, हरियाणा जमुनानगर में 321, नोएडा में 318, मुरादाबाद में 306, भिवानी में 302, आज 10 शहरों की जो सूची है उसमें भी दिल्ली का नाम नहीं, फिर भी दिल्ली को बदनाम करते हो, फिर भी दिल्ली के बारे में गैस चैंबर प्रचार करते हो, यह मानसिकता।